लिंग अलग पद है, आशीषि अलग पद है। लिंग जो है षष्ठी का एक वचन है, षष्ठी लुक हो चुका है, आशीषि सप्तमी का एक वचन है। इसे आशीषि लिंगस तिंग आर्धात्मक संजस्यात, आशीष अर्थ में आया हुआ लिंग के स्थान में जो आदेश होता है तिंग, उसका हो जाएगा आर्धात्मक संज्ञा, तिंग को ही कर दिए सीधे। अब इसे क्या स्थिति बनेगा, भू ती भू रहेगा, आश्र लिंग अर्थ में लिंग लकार के स्थान में ती हुआ, और ती का अर्ध संज्ञा हो गया, आर्ध संज्ञा में सब कर्तृ शप नहीं होगा, शप नहीं हुआ, लेकिन तिंग को लेकर के चाहे आर्धात्व को चाहे सार्धात्व को, सार्धात्व का आर्धात्व से गुण हो जाएगा, तब कहते गुण नहीं करना हमने, इसलिए किदाशिशी किदाशिशी कित प्रतिमा के एक वचन, आशीषी यहाँ भी सप्तमी के एक वचन, आशीषी लिंगो यासुट कित स्यात, आशीषर्थ में जो लिंग है उसको हुआ यासुट को ये कित कर दे। यदि भी यासुट अपने आप में गित है ही, गित तो आदेव हम गुण निषेध कर सकते हैं, ती को मान करके गुण प्राप्त होता है, अविचार करिए पहले गुण करना है या पहले यासुट करना है, यासुट प्रसिद्ध दातंगिच सूत्र वही यासुट करेगा, उसी यासुट के गित कर दे रहा है, क्या फल है, यासुट को गित भी कर रहे हो, यासुट को गित भी कर रहे हो, गित का ही फल है गुण वृत्ति निषेध और संप्रसारण, आपने कहा कित का भी फल वही है गुण वृद्धि निषेध संप्रसारण, लेकिन गीत को एक कित करने का क्या फायदा होगा, तब इसलिए है संप्रसारण के विषय में अलग मामला है, दो अलग अलग सूत्र है संप्रसारण में, ग्रही ज्या वही वेष्टि आदि एक है, वचि स्वपीय आदि नाम वो केवल कित में करते, गीत में नहीं करता, इसे जो संप्रसारण केवल कित के परत्य करेगा उनके लिए यहाँ कित भी बना करना जरूरी है सूत्र को, और जो शुद्ध गीत के प्रति संप्रसारण करते हैं उसके लिए गीत भी करना जरूरी था, आते दोनों कर दिया गीत और गीत, इसलिए पहले यासुट कर दो, यासुट होगा तो यास बचेगा है कि नहीं, भू यास ती इतश्री चला गया, भू यास ता और यास का कित होने के कारण से और गुण निषेध हो गया, भू वैसे वैसे रह गया, भू यास तर आ गया, सौरता में स्वयं स्लोप स्लोप होना प्राप्त हुआ, वह है त्रिपादी का उसे बाद करके स्कोह इति स्लोप स्कोह से सकार का लोप हो गया, भू यात बना हुआ है, फिर भी हम लोग तो कह दें कितने गुण निषेध किया, कौन करेगा गुण निषेध, किंगिति च किंगिति च पढ़े नहीं ना, असूत्र आ रहा है किंगिति सप्तमी के एक वचन, च वे दो पद वाला सूत्र है, गित कित गिन निमित्ते एक लक्षण गुण वृद्धि नास्ता, गित कित और गित निमित्तक जो एक लक्षण गुण वृद्धि है, एक लक्षण कोई भी गुण वृद्धि नहीं लेने, आध गुण से गुण हो रहा, कहीं अचूर्ण से वृद्धि हो रहा है, अतोपदाय से वृद्धि है, उनको रोकेगा नहीं, कौन से वृद्धि को रोकता है, कौन से गुण को, एक लक्षण है मैंने एक या कहते हुए जिन सूत्र के द्वारा अर्थात एकंत अंग को एक उपधा को विहित जो गुण वृद्धि है उन्हीं को निषेध करता है सूत्र, इसे एक लक्षण गुण वृद्धि नास्त नहीं होता है, तो रूप बन गया भूयात, भूयास्थाम भूयासु भूया भूयास्तम भूयास्त भूयासम भूयास्म भूयास्म, नित्यंगिता वसमस में सकारों का लोप करेगा, और ताम तम त ये तो है ही है ना, तत्सत्संज्ञा ता तम ता ये सूत्र लगा नहीं है और कोई विशेष कार्य नहीं है। अब बालमुरमा टीका देखिए, इसका आश्रलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई, उसका टीका देखें, अथा आश्रलिंगी विशेषम आह लिंगाशिषि लिंगिति लुप्त षष्ठी का पदा तिंगशि सार्धातुकम इत्यतः तिंगित्यनुवर्तदाः आशिषलिंगस्तिंग इति, सार्धातु संज्ञा अपवाद यम सार संज्ञा जो प्राप्त है उसका अपवाद करके आर्ध संज्ञा किया गया है, तथा च सार संज्ञा कार्यम
शपादि न भवति। सार्वसंज्ञा संज्ञा निमित्तक जो कार्य है वो शपादि वो नहीं होंगे। किदाशिषि लिंगस्य टितितो लिंग इत्यनुवर्तते, लिंग सूत्र से लिंग का अनुवृत्ति कर लो। या सूट प्रशोधात्च सूत्र से या सूट का अनुवृत्ति या सूट च तदा आशिष लिंग या सूट प्रतिपदेश गित्व से अपवाद, उस गित को अपवाद करके गित करना। यद्यपि गित पे ने गुण निषेध चार आ गया ना, गित कहने से गुण निषेध हो जाता। तथापि इज्जाद इत्यादि वचस्वपेजादि किति संसारणाद्यर्थम कित्तम आवश्यकम यह न्यायत्वाद उपन्यस्त। यदि फिर ये उसको वहीं बोल सकते थे, ये सूत्र यहाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, या तो गित्व धर्म को लेकर के ही हम गुण निषेध कर सकते हैं। एन आगे वचस्वपेजादि किति सूत्र के जगह कित के प्रति के संसारण करता है, गित के प्रति करता नहीं है, उसके लिए आवश्यक था प्रासंगिक उसको यहाँ पर बता दिया गया। अथ आशिषि लिंगस्तिपि आर्धातुकत्वा शबभावे इतश्चेत् इकारलोपे यासुटागमे अतः परत्वाभावात् सार्धकत्वभावच्च ई आदेर ई ये रेफ कहाँ से घुस गया, ई आदेशा भावे रेफ नहीं होना चाहिए, देह के ऊपर रेफ दिख रही ना, देह के ऊपर रेफ नहीं दिख रहा है वो नहीं होना चाहिए। ई हलंत है उसके साथ आदेश, ई आदेशा भावे ऐसा होना चाहिए। सुटि भूयासाता सुट भी कर लो, सुट तितो से हाँ दोनों से कर लो हो जाएंगे। इति स्थिते प्रक्रिया महा स्कोर इति स्वलोप इति लिंग स्वलोप इत्यस्य सार्धत विषयत्वात् स्कोर इति सुटः पदांत संयोगादित्वात् लोपः। कि वो सूत्र नहीं लग सकता लिंग स्वलोप अनंतस्य, वो जो सार्धातु में करता है सार्धत विषय के नाते यहाँ में स्कोर संयोगादिरंत सूत्र लगाना है। तो पहले एक सकार लोप करो सत्ता का संयोग का, फिर दूसरे सकार का भी यही सूत्र दोबारा लगाओ, लक्ष्य भिन्न होने से दोबारा लग जाता है, तो अलग करके दोनों सकार लोप हो जाएंगे, भूयात बनेगा। जो सुटा पदान संयोग आदित्वात लोप तथा तो या सुटा सस्यापि पदान संयोग आदित्वादेव लोप। कुछलों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कुछलों ने क्या किया पदांत में के परते भी होता है और झली भी है ना, वहाँ सूत्र में झली भी है सूत्र में झली पदांत कोशाध्याय में, इसे उन्होंने क्या किया एक सकार को दूसरे सकार के पर रहते हुए झल निमित्तक लोप मान लिया। स तो है दो सकार है, एक सकार को झल मानो पर वाला पूर्व वाला लोप हो जाएगा, झली पर ही लोप हो गया। फिर जो बचा हुआ है अत है अंत में वो पदांश योग के आदि वाला सकार होने से उसका लोप को से लग जाएगा। सूत्र वही लग रहा है कि निमित्त भेद कर दिया, एक झल निमित्तक दूसरे को पदादि निमित्तक, लेकिन मुख्य सिद्धांत कहते ऐसा नहीं कर सकते, दोनों ही पदादि निमित्तक ही होगा। क्यों वही विचार आरंभ कर रहे थे, न तो झल पर संयोगादित्वेन या सुट सस्य लोपे सुट सस्य पदान संयोगादित्वात् लोप इति न युक्तां। क्यों जी तथा सति जल पर संयोगादि लोपस्य असिद्धत्वेन, जल पर जो सकार का लोप आप कर रहे हो वह असिद्ध होने के कारण से संयोगांत लोप आपत्ति है, संयोगांत लोप की आपत्ति हो जाएगी, ये समस्या हो जाएगा। से जल परक संयोग करके आप लोप न करें, जली परे सकार का लोप न करें। जल परक संयोग का आदि क्योंकि वो सूत्र को सूत्र का वृत्ति क्या है पदांते झली च सकार का कार्य हो संयोगाद्यो हो लोप स्यात्। पदांत में जो संयोग का आदि का झल संयोग आदि का सकार या ककार एवं झल पर जो संयोग के आदिभूता सकार और ककार का लोप होता है, ये सूत्र का आपको। आप यदि मान लो पहले झल पर निमित्तक आप सकार लोप कर लेंगे, बाद में आप चाहते हैं पदादि संयोग का सकार का लोप करूँ, ये नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकता है कि झल पर जो सकलोप किया वो असिद्ध रहेगा, असिद्ध होने से संयोग का आदि सकार कौन दिखेगा, तब जिसको लोप किया वही दिखाई देगा, जिसको लोप किया वो असिद्ध होने से वही आ जाएगा ना, वही दिखते रहेगा वहां पर।
तो यास के जो सकार लोप जो हुआ था वहाँ दिखाई देगा, उन्हें सुट के सकार को कौन लोप करेगा फिर, कोशय के आदि में नहीं रहेगा ना, कोशय के आदि में नहीं है। तो संयोग का आदि जो सकार था आपने जल रूपी स को मान करके पहला वाला स को लोप के जो यास के सकार, समझ आ रही हाँ। इसमें तीन है ना, स ये यास का है और सुट चित्तों का और एक तिपकत्ता बचा हुआ है। आपने क्या इसको जल मान करके पहले मैं इसको लोप कर दूंगा। अब आप कह रहे हैं इसको इन दोनों को मिला के पदार्थ के संयोग के आदि सकार मान के इसको लोप करूंगा। किसके मान करके? पदार्थ के संयोग आदि मान करके। ये नहीं कर पाओगे आप कि जब इस सूत्र दोबारा लगाओगे तब ये जो सकार लोप हुआ वो असिद्ध रहेगा। असिद्ध होने से हमें क्या करना पड़ेगा? सगंध से लोप लगाना पड़ेगा उल्टा, क्योंकि हमको सगंध मिलेगा नहीं, सगंध आदि लोप हो चुका, अब सगंध लोप की बारी लगेगी, अब तालोप हो जाएगा उल्टा रूप बन जाएगा। इसे दोनों पहले इसको कर दो सगंधित्व ना, फिर इसको करो तभी असिद्ध भी रहेगा, हमें आपत्ति नहीं है ना, तो संयोग आदि बनेगा ना, तीन का संयोग मान के आयुति बन जाएगा। पहले दो का संयोग मान करके इसको लोप कर दूंगा फर्स्ट, पहले नंबर आपने किया इसको पाल फिर इसको करने जा रहे हैं उसमें ये असिद्ध होकर के संयोग का यही बना रह जाएगा, ये कभी भी संयोग आदि बनेगा ही नहीं। तो फिर आपको मजबूरी में संयोगांत से लोप लगा करके तो लोप करना पड़ जाएगा, भूयात्र बनेगा नहीं, भूयास बन जाएगा, भूयाहार बन जाएगा। इसलिए सिद्धांत कहता है पहले आप इसको लोप करो, इसको बाद में कर रहे ना, इसको पहले लोप करो फिर इसको लोप करना। आप कहोगे इसको लोप करते असिद्ध हो जाए, कोई बात नहीं, त्रक्षर संयोग आदि मानूंगा, ये असिद्ध होकर दिखाई भी देगा, पहले त्रक्षर संयोग माना, अब त्रक्षर संयोग मान करके इसकी भी लोप होने में कोई आपत्ति नहीं रहेगी। अतः यह भी पदान संयोग आदि बना करके हमने लोप किया, इसको भी पदान संयोग आदि मान करके ही लोप करूंगा तो कोई आपत्ति नहीं रहेगा। यदि इसको पहले करके उसको करोगे आपत्ति, ये इनका कहना वही करें सर। सावकाश जल पर संयोग आदि लोप से संयोगांत लोप अबाधकत्वात्, यदि आप कहोगे भाई ये कैसे हो सकता है, वो संयोगांत लोप किस कौन सा है, उसको संगति कैसे असिद्ध हो जाएगा, उल्टा को ही संयोगांत स्वरूप को बाद देना चाहिए, बाध नहीं सकता संयंत्र से लोप को, क्यों? जल परक वह संयोग आदि लोपकारी हुआ है ना, चरितार्थ हो गया, बाधक हो ही नहीं सकता, उल्टा संयंत्र लोप उसको बाध देगा, इसको संयोग क्यों, उसको अभी कार्य करने का अवसर मिला नहीं है। इसे कहते हैं कि तथा सती जल पर संयोग आदि लोप से असिद्धत्व ना संयंत्र लोप आपत्ति है, भ्रष्ट इत्यादि सावकाश से जल पर संयोगादि लोप से संयंत्र लोप अबाधकत्वाद इति शब्द रत्ने विस्तर एवंच भूया सत स्थिति सकार द्वय से निवृत्त। दो बार एक ही सूत्र लगाऊंगा, अभी दोनों में निमित्त एक ही रहेगा पदान संयोगादित्व के संयोग अलग अलग हो जाएगा इति सिद्धांत। तत्र सार्वधातुकारादित गुणे प्राप्ते किंगित चेति ग कांग एशाम संहार द्वंद कात्पुरम गकार से चर्त्व निर्देशात ग ग ग च इति यस इति विग्रह। कहे ग तो सुनाई नहीं दे रहा है सूत्र में, आप कहाँ से गकार ला रहे हो, कहते ग को हमने चर्त कर दिया अभी क हो गया है ना, क क क्या रहेगा अंत में, ग कांग हो गया ना, ग कांग था, ग को हमने चर्त कर दी खरी च गव्य हो गया, क क संयुक्त आदि में क मिल गया, एक ककार लोप हो गया, क ग बच गया, एन है वहाँ क आदि में, वह कौन कारण कौन है वो ककार, वास्तव में ग है, अतएव वास्तविकता क्या है, ग क ग है, चर्त कर संयुक्त आदि लोप हो गया, अतव हमको वहाँ एक ही क दिख रहा है, एक ग दिख रहा है, बस ये कह रहे चर्तवे ना निर्देशात चर्त के द्वारा निर्देश कर दिया, ग ग ग चाहिए यश इति विग्रह से किया जाएगा, द्वंद्वान्त श्रमाणि शब्द
प्रत्येकम् अन्वयति तथा च गिति किति गिति चेति लभ्यते निमित्तसप्तमी एषा इन सब जगह निमित्त सप्तमी है इको गुण वृद्धि पूर्व सूत्र है वहाँ से अनुवृत्ति हो गया पूरा सूत्र चकार इत्यर्थ है चकार इति अर्थ इक इति उच्चार्य विहित्य इति लभ्यते किंग इति च है ना सूत्र च जो सूत्र में उसका अर्थ क्या करूँगा इति माने इक ऐसा कह करके जिन सूत्रों में गुण वृद्धि का विधान किया वही गुण वृद्धि को निषेध करें जा इकह करके नहीं बोला जैसे आध गुणा वह इका है क्या अवर्णादचि इतना ही बोला सीधे ही वृद्धिरेचि में क्या है अवर्णादेचि परिवृत्ति पूर्व प्रवरेकादेश है वहाँ इका नहीं बोला अतः उपदाया वहाँ भी नहीं इकह अचुनी थी यहाँ भी नहीं इकह तत्तेषाम आदे वहाँ भी नहीं इकह इन सूत्रों गुण वृद्धि को निषेध नहीं करेगा ये शारदात्व का अर्थ में क्या कहते हैं इगंतांगस्य इकांतांगस्य बोलते हैं पुगंत लघुपद में क्या कहते हैं लघुपदस्य इकस्य लघुपद जो इक है उसको गुण वृद्धि करते हैं आप ये सब इक कह करके कहा हुआ गुण वृद्धि है इसे इनका निषेध हो जाएगा वही समझा रहे तदा इत्यादि इत्यर्थे इक इत्युच्चार्य विहिते इति लभ्यते न धातु लोपार धातु इत्यतः नैत्य निवर्तित दाह गीत की कि नियमित इत्यादि ना गीति इत्यनुक्त हो तो गीति को हम ना मानते हैं केवल कित गीत दो ही लेते तो लाज स्थश्च घिष्णु सूत्र है घिष्णु घिष्णु में क्या हो गया लशक पद्धति तय कवर गया ना आदिभूत प्रत्यय का गकार गकार किस लोप हो गया बचेगा क्या स्नु इति स्नु प्रत्यय जिष्णु इत्यादि गुण निषेधो न स्यात् जिष्णु बनता है जी जय धातु है जी जय तुम शीलम यह सा जी जितने के स्वभाव है जिसका उसको कहते हैं जिष्णु पर जी है स्नु प्रत्यय है यदि गीत को हम यह नहीं जोड़ेंगे हाँ प्रशिष्ट नहीं मानेंगे यह गुण निषेध नहीं होगा रूप बनेगा जेष्णु अनिष्ट हो जाएगा इसलिए गीत को वहाँ प्रशिष्ट मानना चाहिए न च घिष्णु प्रत्यय की देव क्रियता अरे आप घिष्णु क्यों बनाए घिष्णु बनाते पाणिनि के क क्यों नहीं लिए ग क्यों कह रहे तथा सती घूमास्ता किति विहित से हित्व से प्रसंगा समस्या क्या होगा घूमास्ता का वचन हलि सूत्र के द्वारा कित के होने पर इत्व होने लग जाता कई धातुओं में अब घिष्णु करो इन धातुओं से भी आप घिष्णु प्रत्यय करोगे तो इत्व नहीं होगा गीतवा ये तो गीति 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 पर तो गुणवृद्धि नस्त इति व्याख्या ये था या निमित्त सप्तमी न मान करके परसप्तमी मान लेते तो क्या आपत्ति है वो बता रहे हैं यदि ऐसा व्याख्यान कर देते था छिन्नम भिन्नम इत्यत्र क्ता प्रत्यय परे लोपद निषेधो न सियाद लोकपद निषेध नहीं होता स्थानी भूत सी को हला व्यवधानात स्थानीभूत जो इक है वो हल से व्यवहित हो गया स्थानीभूत जो इक है वो हल से व्यवहित हो जाता है कहते ये अन्य व्यवधान तन व्यवहित अपी नियम है ना एक व्यवधान तो व्यवधान नहीं मानते आप न्याय लगाओ देना नू ये अन्य व्यवधान न्याय शंक्य न शंक्य ये अन्य व्यवधान देना व्यवहित भी इस न्याय को यहाँ आशंका न करें क्यों चित्तम स्तुतम इत्यादि अव्यवहित चरितार्थत्वात् कि चित्तम जब व्यवहित है नहीं अव्यवहित है अव्यवहित पर मिल रहा कित कुत्ता प्रत्येक कित है अव्यवहित पर में चरितार्थ होने के नाते ये निरवकाश नहीं है तो आप कहो कि व्यवहित होने पर भी एक व्यवधान में मान लूँगा ये तब है ना जब कहीं अवकाश ही न हो सूत्र को जब अवकाश ही न रह जाए तब मैंने कहा निरवकाश होने से हम क्या करें एक व्यवधान भी हमको करना पड़ेगा न्याय वहाँ लगता है यहाँ तो सावकाश है अव्यवहित पर स्थलों में चितम स्तुतम इत्यादि स्थलों में सूत्र चरितार्थ हो रहा है इति च यदि च इको न गुणवृद्धि इत्येव व्याख्या है था यदि इको न गुणवृद्धि एक लक्षण न कह करके इको न गुणवृद्धि इतना कह देते तो क्या आपत्ति है इत्येव व्याख्या था न तो लक्षण वृद्धि थी तदा लिगोरपत्यम लैगवायन नडादित्व फक
इह आदिवृत्तेर ओर्गुणिष्ठ वस्तुगत्या इक स्थानिकत्तात् निषेधस्त्यादित्यलाम। ऐसा क्या है, एक स्थानिक है ना, एक लक्षण नहीं है, एक को उच्चारण करके विहित नहीं है, किंतु एक स्थानिक है। लिगोरपत्यम युवा, लिगु नाम का कोई ऋषि है, उनका अपत्य युवा है। यहाँ पर नड़ादिगण में लगकर के फक हो गया, फक के क है कित के परते हुए एक के स्थानीय होने वाला जो गुण वृद्धि निषेध हो जाएगा। लिगु में ई है उसको वृद्धि प्राप्त है, गु में ऊ है उसको और गुण प्राप्त था, दोनों ही निषेध हो जाएगा, फिर लय गवायन रूप नहीं बन पाएगा। इसे हमने कहा नहीं कि एक स्थानिक गुण वृद्धि निषेध हो, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, किंतु एक लक्षण गुण वृद्धि निषेध हो कह देंगे। एक लक्षण गुण वृद्धि का अर्थ है जिन सूत्रों में इकह या षष्ठ्यंत का उच्चारण करके गुण वृद्धि का विधान किया गया है, वही गुण वृद्धि को सूत्र निषेध करेगा, उससे भी एक स्थानिक गुण वृद्धि को भी निषेध नहीं करेगा। यह आदिवृत्तेर और गुणस्य वस्तुगत्या एक स्थानिकत्वात् निषेधस्य आदिति अनिषेध हो जाता इत्यलम् भूयादिति। यह आर्धत्वा लिंगसलोप इत्यस्य प्रवृत्ते स्कोरिति सलोप इत्युक्तम् न विस्मर्तव्यम्, उसको भूलना नहीं। न चेमपि सेगादि लोपस्य सिद्धत्वात् हल्ग्यादि लोपस्यात् इति न वाच्यम्। कोई कह सकता है संयोगादि लोप असिद्ध है ना, ससत मान लो दोनों सकारों को संयोगादि लोप से ही आपने निमित्त बना करके पदांत के संयोग आदि दोनों सकार लोप हो गया, लेकिन दोनों ही लोप असिद्ध है, दोनों सकार दिखेंगे हमको, तब पर में स दिखा त है तिप का त, ये सब का स रहेगा, हम हल्के अभ्यु दीर्घ सुसुप्र तो हल्का देंगे, हलंत है ना, अब दो स है वहाँ पर असिद्धत्व तो रहा है, तो हलंत मिल गया स, उसे पर में तिप का त है, लोप करो। यह आशंका हो रही है, इति सलोपा इत्युक्तम न स्मृत हो रही है, तब इति नचवाच क्यों सुटी या सुटी च सती ताभ्याम विशिष्ट से प्रत्यत्व न अपृक्तत्व भावाद इत्यलम। बात ऐसा है हलन से पर में अपृक्त हल नहीं मिलेगा नित्य तकार, क्यों भाई यासुट जो हुआ था किसको हुआ था, तिप को हुआ था, सुट हुआ किसको हुआ था, तिप को हुआ था। अच्छा प्रत्यय कौन है, अब प्रत्यय कितना हो गया, यास्त यास्त, ये पूरा प्रत्यय है ना, ये अपृक्त है क्या, फिर कैसे लोप करेंगे हम तकार को, क्योंकि अब तकार क्या हो गया, प्रत्यय का एक अवयव हो गया, पहले अकेला प्रत्यय था इतश्चक से ही का लोप होने के बाद अकेले तकार था, लेकिन जब आगम कर दिए अब प्रत्यय क्या हो गया, अकेला नहीं रहा, तो अकेला है ही नहीं, या स स त ये संपूर्ण समुदाय अप्रत्यय, अतः इस प्रत्यय का इत्तकार की आप अपृक्त संज्ञा नहीं कर सकते, ये काल अप्रत्यय काल प्रत्यय, यह तो अनेक काल है ये, क्योंकि दोनों स लोप हो गया, लोप होने बाद भी क्या प्रत्यय शेषता यात, यदि असिद्ध कह दोगे तो यास्त्र रहेगा, तो कहाँ एक काल है यह, अप्रत संज्ञा ही नहीं हो सकता, अतः लोप प्राप्ति नहीं है। प्रत्यत्व अपृक्तत्व भावात इत्यलम भूयास्ताम आशिषलिंगस तसस्ताम आदेश आर्धातुकत्वात् शब भावे यासुटागमे, अतः परत्व भावात ई आदेश भावे सुटि जल पर संयोगादित्वेन यासुट सकार से लोपो गुण निषेधश्च। यहाँ पर इसलिए परत्व भावात ये नहीं हुआ, किंतु क्या हो गया, सुट तो हो गया ताम के तकार को, जल पर संयोगादित्व न यासुट के सकार को लोप कर दो गुण निषेधश्च, गुण का निषेध भी हो जाएगा, एक के सकार का लोप होगा दो सकार लोप नहीं हो सकता। भूयास्तम भूयास्ताम भूयासु यासुट सकार से लोपो गुण निषेधश्च, इतना कह दिए। फिर किस सूत्र से सलोप किया, जल के परते हुए आपने, ताम है ताम, ताम है प्रत्यय, भू यास स ताम है, यहाँ पर पदांत के संयोगादित्व न लोप नहीं कर सकते, जल पर कितने लोप करोगे,
जल पर संयोगादित्व न, जल पर संयोगादि मान करके जो है लोप कर देंगे। आप समझे नहीं, यह युक्ति सरल है, सरल युक्ति है। जल के परते हुए हमें संयोगादि चाहिए, यह है जल। सबको जल मान के लोप नहीं कर रहे हम, तब जल माना तो संयोग का आदि सकार लोप हो गया। अब इस सकार को भी लोप करना है तो हमें एक और संयोग चाहिए ना, संयोग कहाँ है भाई? तो आपके प्रत्यवे इन दोनों के संयोग संज्ञा हो गया। समझ में नहीं आई तर्क, सिंपल तर्क है। अरे जल के प्रत्यवे संयोग के आदि को लोप होता है, ये दो सकार का संयोग संज्ञा था, अतः इसके आदि को लोप कर दिया मैंने। आप कह रहे जल के प्रति स का भी लोप कर दो, मैं कैसे कर दूं कि ये स संयोग आदि में है क्या? यदि आप त स का संयोग की बात कहोगे, इसे पर में मुझे जल चाहिए, पर में तो आकार है, जल कहाँ है? नहीं ध्यान में आ रहा भाई, ये जो सकार है किस संयोग के आदि में आ रहा है? कि यदि संयोग कहोगे सातों का संयोग, वो है वह जल पर में नहीं है, आ है पर में। ध्यान में आ गया? इसलिए यहाँ पर कहा एक ही सकार का लोप होता है, आज के सकार लोप होगा सुटका नहीं होगा। अब आदमी सोचता है कि त भी जल है, अरे त जल तो है बाबा, लेकिन स जो जो बचा हुआ है वो संयोग आदि कहाँ हो रहा है? वो तभी बल्कि संयोग का एक अवयव बन जाएगा, तस संयोग करनी पड़ेगी आपको। तस की संयोग संज्ञा करोगे जल पर में नहीं है वहां, और जिस जल को पर मान रहे हो वह सब फिर संयोग के आदि में नहीं मिले, संयोग नहीं है वहां पर। अतः वह दूसरा जो सकार है उसका लोप नहीं होता, यह हाँ मतलब। तब कहते ठीक है, भुयासुरी थी, यहां भी वही तर्क है, इन्हें यहां तो सुठ हुआ ही नहीं, झंझटी खत्म है। जेर जुसी यासोट आगमे गुण निषेधे रूपम भूया इति आशर्लिंग सिपी इतश्चितिकार लोप यासोट स्कोरित सलोप गुण निषेध वृत् विसर्गो भूयास्तमिति थस तमादेश यासुटि गुण निषेध एवं थस तादेशे अपि भूयास्त इति रूपम। पूर्वध्या पर भी समझना, यास के सकार लोप होगा, सुटके तो का सकार रहेगा, वो लोप नहीं होगा। भूयासमिति यहाँ प्राप्ति नहीं लोप, मिप अमादेशे या सोटी गुण निषेध भूयास्वी लिंगो वस् नित्यंगित सकार लोप या सोट गुण निषेध एवं मसी भूयास्म रूपम इत्याशर्लिंग प्रक्रिया। अच्छा आर्धु संज्ञा लंगशाकटायन सीतता एव कार अनुवर्तनीय अन्यथा एक संज्ञाधिकार बहिर्भूतत्वेन सार्ध संज्ञा भी सैत तथा पक्षे शबाजी सियात, क्योंकि एक संज्ञा के अधिकार से बाहर है सब, क्योंकि यह तीन चार घने लिंगाशिषि तीन चार का है। एक संज्ञा अधिकार कहाँ है? एक चार एक से रुक करके दो एक एक 38 है ना, वहाँ तक जाता है, वहाँ तक जाएगा तो भी तीसरा दे तो अधिकार से बाहर हो गया ना। अच्छा दोनों के समुच्चय होने लगेगा, न होवे बाध्य बाधक के लिए आपको क्या करना पड़ा? वही करे एव कार को अनुवर्ति करो, आर धातु के एव संज्ञा सियात न सार धातु को, ऐसे कहना पड़ेगा। तो ऐसे पक्षे शबादी सियात, नहीं तो पक्षे शबादी भी होने लग जाता। किदाशिषि गित्वे नैव गुणवृत्ति प्रतिषिद्ध है, नहीं गित्वे नैव गुणवृत्ति प्रतिषेधे सिद्धे, प्रतिषेध की सिद्ध होने पर भी किद वचनम इत्यादि इत्यादि संसारणार्थम जागरियादित्यत्र गुणार्थंच, वायु गुण करने के लिए भी लाभ है जागरी धातु से। जागरते गुणो ही गीति प्रदर्शित है, जागरी धातु के गुण गीत के प्रत्यय नहीं होगा कह दिया था, आज कित के प्रत्यय हो जाएगा। गीतंच विशेष भी तेन कित्वन बाध्यते सलोपति जल पर संयोगादित्यन या सुट से लोप सुटस्तु प्रधान संयोगादित्यन भाव इति मनोरमयां स्थितम तद असंबद्धम इति मत्वा तर निष्कर्षम बाहु। वो जो उन्होंने कहा एक को जल पर करो दूसरा संयोग प्रदान संयोग आदि कर दो, वो उनका कहना ठीक नहीं। इस पर विचार बाल रोम विस्तार से कर ही चुके हैं, यहाँ इसे संक्षेप में कह दे रहे हैं। भूयास्ताम भूयास्तम भूयास्त इत्यत्र जल पर संयोग आदित्वेन यासुट सस्य लोपः
जल पर शेगात्मी यासुट का सकार के लोग चरितार्थ हो सूत्र, वो अपवाद नहीं कर सकता किसी का। भूयादित्य तो सुटाई व यासुटोपी ससलोपा पदांश योगादित्व नहीं वह, इसे भूयाद यहाँ पर जो है सुट के समान यासुट के भी सकार पदांश योगादि रूपे नहीं, दोनों को करना चाहिए। अन्यथा जल पर संयोगादि लोप से असिद्धत्वात् संयोगांत लोप अवश्य, फिर संयोगांत लोप हो गया तकार लोप होने लगेगा। भ्रष्ट इत्यादि सावकाश से जल पर संयोगादित्व लोप से संयोगांत लोप अपाधकत्वात्, क्योंकि भ्रष्ट मृष्ट इत्यादियों में सावकाश है जल पर संयोगादि लोप, अतः संयोगांत लोप को वो बाध नहीं सकता था। गिन निमित्त इति किति किति परे इको गुण वृद्धि नास्ति इति न व्याख्यातम, ऐसे व्याख्यान नहीं किया, पर नहीं लिया। गित निमित्तक कित निमित्तक कहा, गित परक कित परक ऐसा नहीं कह रहे हम, क्यों छिन्नम भिन्नम इत्यत्र लघुपद गुण से अनिषेध प्रसंगात, लघुपद गुण का निषेध नहीं होता क्योंकि अवैध पर में नहीं है ना, उपजा में है वो, प्रत्यय पर में है, बीच में धातु का ही अवैध बैठा हुआ है, धातु का ही अवैध बैठ गया, द धातु छिद छिद्र धातु है ना, छिद के ई को गुण या निषेध करना हमने, ता के तब बैठा है वहाँ पर, ता के तब बैठा हुआ है, छिद ता द व्यवधान है, ई से अव्यवित पर में कित प्रत्यय नहीं है, यदि हम अव्यवित पर कहेंगे फिर यह गुण निषेध नहीं होगा, छिन्ना नहीं बनेगा छिन्ना बन जाएगा, ये गड़बड़ होगा, इसलिए हमें अव्यवित पर नहीं कहना है, कित निमित्तक का निमित्त व्यवहित में भी लागू हो जाएगा। न चाह आरंभ सामर्थ्यम संख्या, आरंभ सामर्थ्य कर दूंगा ऐसे मत कहो, क्योंकि वो आरंभ सामर्थ्य क्षीण हो गया, क्योंकि वो चरितार्थ हो जाता अव्यवहित पर वाले में भी, चितम सुतम इत्यादि अव्यवहित किति चरितार्थत्वाद इति भाव। अन्य तो अन्य लोग क्या व्यवस्था देते हैं, किंगति इति प्रत्यग्रहणात् प्रत्येन सन्निधापितस्य अंगस्य किंगिति पर इति व्याख्याने तो छिन्न भिन्नम इत्यासिद्ध्यत्येव, उनका ने कितिगिति कहने से प्रत्यग्रहण करूँगा, कितगित प्रत्यय और प्रत्यय कहते ही अंग का आक्षेप हो जाएगा कि यस्मात् विदिश तदादि प्रत्यय अंगम, और सत्य बोल रहा हूँ कितिगिति मैंने प्रत्यय परे, पूर्वम किम भवति अंगम भवति, अंगस्य गुण निषेध से अदर्थ हो जाएगा, चाहे अव्यवहित पूर्व में हो, अव्यवहित मध्य में हो, आदि में हो, अंत में हो, क्या लेना देना, कहीं भी रहे प्राप्त गुण वृद्धि को निषेध कर देगा। न चैवम भवाव भवाम इत्यादि अति प्रसंग इतना चवाच, भवाव भवाम अति प्रसिद्धि हो जाएगी ऐसे मत शंका करो, अंतरंग गुणम प्रति बहिरंग निषेध से अप्रवृत्त्या हो, अंतरंग गुण के प्रति बहिरंग जो है आपका निषेध वह प्रवृत्ति हो जाएगी। या कैसे लग रहा था भवाम में क्या दोष था, भू शप और वसमस है, वसमस क्या है आपका गित है, सार्थवपित गित है ना, आप गित के पर रहे थे, आपने व्यवहित में भी हम निषेध कर देंगे, पीछे व्यवधान कौन था शप, आवा है वहां पर और यह शप है, शब का व्यवधान होने पर भी आव को गित मान करके भू को गुण निषेध हो जाएगा, एक व्यवधान है ना शब अकेला तो निषेध होना चाहिए गुण, ऐसे आशंकित नहीं होगा, क्यों वहाँ पर उस स्थल में शारदा तिगार से जो गुण कर रहे हैं हम शब को मान कर रहे हैं, प्रत्यय को नहीं, आगे वाला प्रत्यय को नहीं, शब विकर्ण प्रत्यय को मान के कर रहे हैं, उस स्थिति में वो अंतरंग और निषेध करने वाला बहिरंग है, कि शब्द सहित अंग संज्ञा है ना, अंग संज्ञा आपका शब्द सहित है, शब्द के अंग के अंतर के एक अवयव मान करके दूसरे अवयव में गुण करना हमने, और गुण निषेध करने के लिए अंग से बहिर्भूत प्रति की अपेक्षा हो रहा है, किधित वसमस की अपेक्षा हो रहा है ना, अंग के बहिर्भूत है वो, अंग के बहिर्भूत प्रत्यय को लेकर के गुण निषेध और अंग का ही एक अवयव को लेकर के गुण होना है, बताओ अंतरंग कौन है, गुण अंतरंग हो गया ना, स्वनिष्ठ अवयव को ही अपेक्षा कर रहा है, परावयव को तो अपेक्षा नहीं कर रहा है, बहिर्भूत को अपेक्षा नहीं है, तो बहिर्भूत अपेक्षा होना बहिरंग,
स्वावय अपेक्षा करना अंतरंग हो गया। इस अंतरंग बुद्धा गुण के दृष्टिकोण में वहाँ वसमस का जो गित है, जो किंगित जो प्रवृत्त कराने वाला, वो बहिरंग हो जाता है और असिद्ध बहिरंगम अंतरंग लग गया। इत्याहु किंचित सूत्र है चर्तन ककारों पर प्रश्नशत है इतिहासन गित गित के निमित्त इत्युक्तम गिति किम लाजस्तश्च स्नुह जिष्णु इत्यादि किति तो अस्मिन् स्थास्रुत्यत्र घूमास्ता इति त्वं प्रसज्यत। यदि केवल कित कह देते, गित नहीं कहते, तो जैसे स्थास्रु रूप बनता है, स्था धातु है ना, उस सूत्र में गिना है भूमास्था स्था के प्रत्यय स्नु प्रत्यय को यदि हम कित कर देते हैं, गित नहीं करते हैं, तो ईत हो जाता है। इस सूत्र से स्थास्रु न बन करके स्थिष्णु बनता, स्थिष्णु ई के अंश का शब्द हो जाएगा, यह आपत्ति है, इसलिए गित करना ही ठीक है। न च स्नोर गित्वे भूष्णु इत्यत्र इन निषेधो न स्यात्। यदि ऐसा है तो स्नो को गित कर दूंगा, भूष्णु यहाँ परित्यत्र इट का निषेध कौन करेगा, क्योंकि श्रुका किति सूत्र क्या है, श्रुका किति वो करता कब, कित के प्रति गुण निषेध करता है उगंत को, भू क्या है, उगंत है, उगंत भू को जो है कित के प्रति भी गुण निषेध करेगा, इट निषेध करेगा, और एक कित है ही नहीं, घिष्णु कर दिया, गित है, इट निषेध नहीं तो इट हो जाना चाहिए, किष्णु बचा वाला त्यार धातु का इट हो जाएगा। निषेध कौन कर रहा था पहले, शुरू कर की थी, अब वो प्रवृत्ति नहीं हो सकता कहीं प्रत्यय यहाँ कित पर में नहीं है, वो इट को निषेध नहीं करेगा, अब क्या करना पड़ेगा, तक श्रुक किति सूत्र में भी क से पहले ग मान लो, जैसे यहाँ पर किंगित सुनाई दे रहा है, एक ग माना, ग को क के क को लोप कर दिए संदेह समास करके, काचा गाचा काचा गाचा इति कंगा बनेगी नहीं बनेगा पद, का कंगा जस लाओगे बहुचन में, वो पद 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 का आदि हो गया, संयोग आदि हो जाएगा, एक अकार लोप हो जाएगा, आपने ऐसे कहा था, इन यहाँ भी ऐसे करना पड़ेगा नहीं तो काम चलेगा नहीं। श्रुका किति में भी ख से पर में एक ग है मानो, अतः कित के प्रति जैसे इट निषेध होता है तो गित के प्रति भी निषेध हो जाएगा, तो भूष्ण में कोई आपत्ति नहीं, ये बता रहे भूष्ण यहाँ पर बता दिया। श्रुका किति मैं समझा रहे चकारात भूवश्च घृष्णुर्भवती थी स्वीकारा थी नचवाच्य वह ग्लास स्तश्च सूत्र में चकरात भूधातु से भी विधान कर दिया, अजो भूधातु से इट हो जाएगा, श्रुक किति तत्रापि चर्तन गकारम प्रश्लिष्य गित कितोर इट न स्यात् इति व्याख्यानात्, ऐसे व्याख्यान कर दिया जाएगा तो आपत्ति नहीं है। न चैव चर्त से सिद्धतया श्रुक इत्यत्र विसर्जनीयो न लभ्यते, तब कहता है देखिए आपने चर्त करके स्वयं एक लोप हो गया बोल दोगे, लेकिन असिद्ध है लोप, असिद्ध होने से यहाँ पर श्रु श्रु कहा है ना, वो विसर्ग सुनाई देना चाहिए, उसको रू होना चाहिए क्यों, ग पर में ग असिद्ध है, चर्त करना भी असिद्ध है, लोप करना भी असिद्ध है, तो ग दिखे तो हर्ष दिखेगा मुझे, हर्ष दिखेगा तो क्या होगा, उत्प हो जाएगा, श्रु कहने का श्रु को श्रुको किति सूत्र बनना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है हसी चैत उत्तम एवं सी नचवाच्यम सौत्रत्वात् हेतु देव्या, सौत्रत्वात् नहीं किया पृथ्वत्व गुण, उसको उत्तव करके गुण नहीं किया, सौत्रत्वात् पाणिनि की मर्जी है, न मुने इत्यत्र नैति योग भागेन असिद्धत्व भावात्वा इष्ट सिद्धि, अथवा न मुने सूत्र में न का योग भाग कर दो और कहो असिद्ध नहीं है, बागतम सिद्ध रहेगा, जब सिद्ध रहेगा तो कोई आपत्ति नहीं। वामनस्तु लाजस्तस्य सूत्रे स्था आयति प्रश्लेषात् स्थास्नुरित्यत्र गुमासित्वं न भविष्यति इति गकार प्रश्लेष भावात् न शृगकिति इत्यत्र चर्त्र सिद्धत्व भाव समर्थन क्लेशः इत्याह इक लक्षण इत्यादिना। उन्होंने लाजस्तस्य सूत्र में स्था आ ऐसा प्रश्लेष कर दो, स्थास्रुत्यत्र अर्थ क्या हो जाएगा उसका, स्था आ का मतलब क्या, आ का श्रवण हो,
इतु ना हो, यही तो होगा आगे श्रवण होगा क्या, जैसे आग का श्रवण हो ऐसे रहेगा, कब सुनो प्रति के प्रति, ऐसे कहने ऐसे इत्व की प्रसक्ति नहीं है, झंझट खत्म हो गया, सारी कल्पनाओं की कोई जरूरत नहीं रह गई। इकाइत्यम विहिते इत्यर्थ एक लक्षण है किमित लेख वायन इत्य लिगोर नडाय तत्फक यह आदिवृत्तिर गुण गुण से च वस्तुगत्या एक स्थानिकत्वनापि न निषेधा न च इकाइत्युक्ते किसी आरंभ सामर्थ्यादत्र निषेधो न भवेति न संख्यम नारायणादौ तस्य चरितार्थत्वात्। विधि सामर्थ्यात् में नहीं कह सकता, अन्यत्र चरितार्थ है वो। भूयादिति यस्कोर इति लोप से असिद्धत्वात् तकार से स्वयंत लोप प्राप्त पदान स्वयंगादि लोपेन अनवकाशेन बाध्यते, स्वयंत लोप को बाध दिया। नन्व एम अपि स्वयंगादि लोप से पूर्वत्र असिद्धम इति असिद्धत्वात् हल्क्यादि लोप स्यात् पदान्ते स्वयंगादि लोप से भृट भृड इत्यादौ सावकाशमिति चेत् अत्राहो। सुटी सुडिया सुटो हो सतो हो ताभ्यम विशिष्ट सेव प्रत्यत्वेन अपृक्त अपृक्तत्व भावात्, कि यासुट और सुट के सहित ही प्रत्यय है, कि यदि आगवस्तत्व में तद्ग्रहण है तो उसका वैभव हो गया है। टिकितो सूत्र में भी आपने आदितो टकितो टिकितो तत्स्य आद्यंता वैभव, उसका वैभव हो गया ना, अब अलग है नहीं वो, अजय प्रत्यय अपृक्त रहा ही नहीं, अनेकाल हो गया प्रत्यय। हलंताया प्रकृत है प्रत्यभावाच उक्त दोष शंकैव नास्ति, और जो हलंत है भी सकारांत वो प्रकृति नहीं है, अंग नहीं है वो, क्योंकि यास का तिपको व यास का अवयव सकार प्रत्यावयव सकार है, प्रकृति अवय सकार है नहीं, तो हलंत से पर मिलेगा भी नहीं। अच्छा इति नास्ति खत्म कर दिए यहीं पर, प्रकृति परत्वभावाच उक्त शंकैव नास्ति इति।